नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी और बेहद बुरी खबर इस वक्त आ रही है। बिहार के गोपालगंज के एक पूजा पंडाल में भगदड़ मचने से दर्दनाक हादसा हो गया है। इस भगदड़ की वजह से 2 महिलाओं और 1 बच्चे की मौत हो गई है। इसके अलावा 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। घायलों को सदर हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक स्टेशन रोड स्थित राजा दल पूजा पंडाल में काफी भीड़ थी। पंडाल में 1 बच्चा गिर गया और भीड़ में दब गया। भगदड़ मचने से महिला और 1 बच्चे की मौत हो गई। घायलों को दोस्तों अस्पताल में भर्ती कराया है। मिली जानकारी के मुताबिक स्टेशन रोड स्थित राजा दल पूजा पंडाल में लोग उत्सव मना रहे थे। उत्सव के दौरान मौके पर काफी भीड़ जमा थी। इस दौरान अचानक यहां पर भगदड़ मची। इस भगदड़ की चपेट में आने से 2 महिलाओं और 1 बच्चे की जान चली गई है। घटना की वजह से इलाके में शोक का माहौल है। पुलिस और प्रशासन मामले की जांच कर रहा है और मौके पर भारी संख्या में पुलिस जवाब भी तैनात कर दिया है। बहुत ही बड़ी और बेहद दर्दनाक खबर सामने आ रही है बिहार के गोपालगंज से, जहां पूजा पंडाल में भगदड़ मचने से अब तक 3 की जान चली गई है। 6 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। मुख्यमंत्री ने दोस्तों संज्ञान लिया है और अधिकारियों को जाँच के आदेश भी दिए हैं। घायलों को दोस्तों अस्पताल में भर्ती कराया है। अब तक की सबसे बड़ी और दुखद खबर सामने आ रही है। आप सभी अलर्ट रहें, सुरक्षित रहें।